उसके बाद नाइन है, नाइन में लिखा हुआ है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। उन्होंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है, वो है ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू फोर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। लिखा हुआ वेयर डॉट रिप्रेजेंट ऑर्डिनल जो मल्टीप्लीकेशन होती है। सबसे पहले लिखा हुआ शो दैट के ऑपरेशन इज कमोटेटिव, तो पार्ट वन में लिखा हुआ है ऑपरेटर इज कमोटेटिव, आपको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों कमोटेटिव प्रूफ करने के लिए कोई मुसीबत नहीं करनी है आपको। सबसे पहले आपको पता है ए स्टेरिक बी किसके बराबर है, फोर ए बी के बराबर है। अच्छा बी स्टेरिक ए किसके बराबर होगा, बी स्टेरिक बराबर होगा फोर बी ए के, क्योंकि ऑपरेटर क्या कहता है, ऑपरेटर कहता है किसी दो नंबर के दरमियान अप्लाई हो तो आंसर होगा फोर, पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर, ये कहता है। तो जब आप बी ऑपरेटर निकालोगे तो आंसर आएगा फोर, पहला वाला नंबर बी है दूसरा वाला नंबर ए है। आपको पता है फोर ए बी लिखो या फोर बी ए लिखो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ए और बी है इनके दरमियान डॉट लिखा हुआ था, मतलब ये ऑर्डिनरी जिस तरह मल्टीप्लाई होता है ना वैसे हो रहा है। तो फोर ए बी लिखो या फोर बी ए लिखो, बात एक ही होती है। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि ए स्टेरिक बी जो है वो बराबर है बी स्टेरिक ए के, तो भाई कमोटेटिव जो है वो तो प्रूव हो गया। फिर लिखा हुआ स्टेरिक इज एसोसिएटिव, पार्ट टू में लिखा हुआ स्टेरिक इज एसोसिएटिव। आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, अगेन तीन पिक कर लो आप ए बी सी। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, ए स्टेरिक बी किसके बराबर होगा, फोर ए बी के स्टेरिक सी, ठीक है। ए और बी किसके बराबर होगा, फोर ए बी के बराबर हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट करवाना सी से, अगेन कंसीडर कर लो ये पूरी चीज ए है ये पूरी चीज बी है, इसके दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो, आंसर क्या होगा फोर ए और बी यहां पे क्या है सी, तो फोर फोर सिक्सटीन, ये हो जाएगा सिक्सटीन ए बी सी। तो ए स्टेरिक बी और जो रिजल्ट आ रहा है उसको सी से करो तो आंसर क्या आ रहा है सिक्सटीन ए बी सी। अब आप राइट हैंड साइड निकालो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, तो बच्चों बी स्टेरिक सी क्या होगा फोर बी सी के, बी स्टेरिक सी क्या होगा फोर बी सी के। अब जब आप उसका स्टेरिक ए से लोगे तो आंसर क्या होगा फोर पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर, अगेन सॉल्व करो किसके बराबर आ रहा है सिक्सटीन ए बी सी के। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ये चीज प्रूव होगी बच्चों, ये हो गया आपका एसोसिएटिव भी है। थ्री में लिखा हुआ वन अपॉइंट फोर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन अपॉइंट फोर जो है वो यहां पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। पार्ट नंबर थ्री, वन अपॉन फोर इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो भी है वो लिख देना। अभी कैसे प्रूफ करोगे, आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब बेसिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर ए को ऑपरेट करवाओ ई से तो आंसर में क्या आना चाहिए, भाई ए आना चाहिए। आइडेंटिटी की खासियत ये होती है कि उसको नंबर से ऑपरेट करवाओ आंसर ए के बराबर हो। जरा करके देख लेते हैं, यहां पे ए और ई के दरमियान ऑपरेटर लगाओ, ऑपरेटर क्या कहता है किसी दो नंबर के दरमियान आंसर क्या आएगा फोर ए बी, तो फोर पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल, फोर ई बराबर हो जाएगा वन के, ई बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर के। तो देर दैट्स इट, आपके सामने प्रूव हो गया कि यहां पर आइडेंटिटी क्या है वन अपॉन फोर है, ये भी आपने प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर फोर में लिखा हुआ है कि प्रूव करो वन अपॉन ट्वेल्व इज द इनवर्स ऑफ थ्री अपॉन फोर विद रिस्पेक्ट टू जो भी मल्टीप्लीकेशन है यहां पे। तो देखो उसको प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, आप इस तरह भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे यहां पे था आप इस स्टेटमेंट को, मतलब यहां पे ई की जगह वन अपॉन फोर कंसिडर करते हैं, और वन अपॉन फोर कंसिडर करने के बाद ए और ए अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तो आप कहते हैं वन अपॉन फोर आइडेंटिटी है। या दूसरा तरीका क्या था कि आप आइडेंटिटी खुद मालूम कर लो और वो प्रूफ कर दो वन अपॉन फोर के बराबर है। सेम पहले वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, या दूसरा वाला तरीका जो हमने इधर फॉलो किया था कि जो इनवर्स है ना थ्री अपॉन फोर का वो निकाल लो, अगर थ्री अपॉन फोर का इनवर्स वन अपॉन ट्वेल्व आ रहा है तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। तो आप इनवर्स निकालो थ्री अपॉन फोर का, थ्री अपॉन फोर की इनवर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, कि जब मैं थ्री अपॉन फोर का इनवर्स निकालूंगा, मतलब थ्री अपॉन फोर को जब मैं उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, रिजल्ट में आइडेंटिटी आनी चाहिए। भाई आपने इनवर्स की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल यहां पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ध्यान में रखना, मतलब किसी भी दो नंबर के दरमियान आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, किसी भी दो नंबर के दरमियान आप ये काम कर रहे हो
कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जहन में रखना यहां पे जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है वो इनके दरमियान है, इन दो नंबर के दरमियान ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई नहीं है। वरना टू और थ्री को मल्टीप्लाई करो सिक्स आता है, लेकिन अगर यहां पे टू और थ्री को ऑपरेट करवाओगे सिक्स नहीं आएगा, फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री आएगा। तो ये जहन में रखना। तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है उसमें अगर आपको मैं बोलूं टू का इनवर्स निकालो, तो आपको पता है टू का जो भी इनवर्स होगा जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आएगी वन आएगी। तो वही चीज है कि 3/4 का जो भी इनवर्स है जब मैं ऑपरेट करवाऊंगा रिजल्ट में क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहां पे क्या थी, 1/4। अब किसी भी दो नंबर को ऑपरेट करवाने का आंसर क्या होगा, ये होगा, मतलब 4 पहला वाला नंबर, दूसरा वाला नंबर, ठीक है। यहां पे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये है 3 मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये है 1/4, 3 को डिवाइड करवा दो ए इनवर्स आ रहा है 1/12, दैट्स इट। तो यहां पे प्रूव हो जाएगा कि जो 3/4 है उसका इनवर्स क्या है, 1/12। आपकी स्टेटमेंट जो है वो यहां पे प्रूफ हो गई, ठीक है बच्चों। इसी टाइप का सवाल कोई और मुझे नजर आ रहा है, चलो सही है। 10 को देखते हैं, 10 थोड़ा इजी है, आसानी से हो जाएगा। 10 में अगेन आपके पास एक सेट गिवन है और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, जो भी है सर। कॉन्स्ट्रक्ट अ मल्टीप्लीकेशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड शो दैट एसोसिएटिव लॉ, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज इनवर्स। मतलब एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये तीन चीजें करनी है। तो पहले टेबल निकालते हैं, वो बेसिक काम है सबसे पहले। तो टेबल निकालो भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करनी है, डॉट लिख लो या मल्टीप्लाई का साइन जो भी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, आंसर 1 आएगा। 1 को ओमेगा से करो, आंसर ओमेगा आएगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से करो, आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा को 1 से करो, ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा से करो, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करते हो तो ओमेगा क्यूब आता है, और ओमेगा क्यूब अगर आप लोगों को याद हो 1 के बराबर है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को 1 से करो, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करो, अगेन ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर है। और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 4 से, ओमेगा स्क्वायर से करो तो ओमेगा 4 आएगा, और ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है वो तो आपने बना लिया। एक बात यहां से आपको पता चल रही है कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर ऑन एस। ये प्रूव नहीं करना, वैसे आपके बात समझ आ रही, क्यों? क्योंकि जब मैंने इनको परफॉर्म किया तो मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहली बात, जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां पे बाइनरी ऑपरेटर है। अब प्रूफ सबसे पहले आपको क्या करना था, एसोसिएटिव लॉ। तो पार्ट 1 पे आ जाओ, एसोसिएटिव। तो बिल्कुल एसोसिएटिव यहां पे प्रूफ हो रहा है, मैटर नहीं करता आपको कि तीन एलिमेंट पिक करो ए, बल्कि यहां पे तो तीन एलिमेंट ही है ना, तो तीन एलिमेंट पिक करके दिखा दो, उनके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आपस में आप कर लो, लेकिन आपस में तो बात ऑब्वियस ठीक ही होगी, 1 1 1 तीन पिक करो तो वो तो सेम ही होगा। यहां पे तीन एलिमेंट है, ये आप करके दिखा दो कि आपने 1 पिक किया, 1 को मल्टीप्लाई करो ओमेगा से। अच्छा इस तरह करते हैं पहले कि 1 और ओमेगा को पहले मल्टीप्लाई करो, और उसको मल्टीप्लाई करना ओमेगा स्क्वायर से, और साथ में राइट हैंड साइड पे डिस्कस करता हूं कि 1 कैसे रहने दो, पहले मल्टीप्लाई करवाओ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। तो ब्रैकेट पहले शुरू में 2 में लगाई, फिर बाद में आखिर में लगाई। तो 1 और ओमेगा को मल्टीप्लाई करो ओमेगा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर से, और यहां पे ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करो ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के बराबर। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करो ओमेगा क्यूब, अगेन ओमेगा क्यूब 1, और यहां पे भी 1। तो ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो यहां पे होल्ड कर रहा है, देख देना, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा यहां पे ना यार पहले एसोसिएटिव लॉ बता देना उनको, अच्छा तरीका ये होता है एसोसिएटिव लॉ पर बता देना, उसके बाद नीचे प्रूफ करना। इसी तरह यहां पे भी आइडेंटिटी बता देना, आइडेंटिटी क्या होती है कि ए को ई से ऑपरेट करवाओ या ई को ए से ऑपरेट करवाओ, आंसर जो है वो ए होता है, ठीक है। फॉर ऑल ए ई बिलोंग्स टू सेट एस, इस तरह कंसीडर कर लो। तो अब ये जब मेंशन कर लो तो अब नीचे बताओ बाकी ये आइडेंटिटी 1 यहां पे है, क्यों? इसलिए क्योंकि देखो 1 को अगर मैं 1 से ऑपरेट करवा रहा हूं यहां पे, तो आंसर देखो 1 आ रहा है। 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये 1 जो है वो एक आइडेंटिटी है। मैंने बताया था जो आइडेंटिटी होती है ना वो, उसको आप अपनी आइडेंटिटी कह लो ना। फॉर एग्जाम्पल 1 की आइडेंटिटी 1 ही है, मतलब यहां पे 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो अगर वन को ऑपरेट करवाओ वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वन ही आंसर आ रहा है। इसी तरह ओमेगा को अगर आप ऑपरेट करवाओ वन से तो तब भी ओमेगा आ रहा है, ओमेगा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को वन से ऑपरेट करवाओ, ओमेगा स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है। तो ये क्या बात होती है, ये सिंपल सी बात है कि वन यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि वन किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा, जो जैसा एलिमेंट है वैसे का वैसे ही मौजूद है। अब चौथी छठी सॉरी सी क्या है, अच्छा पार्ट ए बी सी कर लेना। सी में लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज एन इनवर्स इन एस, वो कह रहे हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स यहीं पे मौजूद है। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हो, यहां पर थोड़ा मिटा देता हूं इसको। तो इसको प्रूफ करने का क्या तरीका होगा भाई, पार्ट नंबर थ्री कह देते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज एन इनवर्स इन एस, कि जो इनवर्स है वो उसी एस के अंदर मौजूद है। यहां पर कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले इनवर्स प्रॉपर्टी बता देते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए को उसके इनवर्स से ऑपरेट करो रिजल्ट में आइडेंटिटी आती है। अब ये आप प्रूफ करके दिखा दो कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पे वन को आप जब वन से ऑपरेट करवा रहे हो आंसर में वन आ रहा है। मैंने बताया था वन का इनवर्स भी वन ही होता है, जो आइडेंटिटी है उसके इनवर्स वही होता है। अच्छा इसी तरह ओमेगा जो है, ओमेगा को आप किससे ऑपरेट करवा रहे हो आंसर वन आ रहा है। देख लो ओमेगा को अगर ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट करवा रहे हो तो आंसर वन आ रहा है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को किससे ऑपरेट करवा रहे हो आंसर वन आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर को अगर ओमेगा से करवा रहे हो तो आंसर वन आ रहा है। तो इनवर्स बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हो रिजल्ट में आइडेंटिटी, और यहां पे आइडेंटिटी क्या है वन। तो आपने देख लिया वन का इनवर्स वन, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। वैसे भी आपको बताऊं ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा होता है और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वन का इनवर्स ओमेगा का इनवर्स और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ये सब इनवर्स जो है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद 11 है, 11 में सेट ए गिवन है और जो ऑपरेटर है ना इसमें तो बहुत इजी है वैसे। ये जो ऑपरेटर है खुद ही आप लोग करना, ऑपरेटर ए सेट बी जो है ना वो यहाँ पे ए के बराबर है। कहने का मतलब जो पहला नंबर है ना आंसर में वही आता है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टेबल कंस्ट्रक्ट करो उसका। तो फॉर एग्जाम्पल ए है 0 1 2 3, इसी तरह 0 1 2 3, तो जो पहला नंबर है वो आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो स्टेरिक है, स्टेरिक कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई 0 को 0 से ऑपरेट करवाओ आंसर 0 आएगा, 0 को जब 1 से ऑपरेट करवाओ आंसर 0 आएगा। यहाँ पे जो पहला नंबर है वो आंसर में आता है, जैसे ए को बी से ऑपरेट करवाओ आंसर ए आ रहा है ना, तो वही चीज है। 0 को 1 से ऑपरेट करवाओ 0, 0 को 2 से ऑपरेट करवाओ 0, 0 को 3 से ऑपरेट करवाओ 0, जो पहला नंबर है वो आंसर में आएगा। इसी तरह 1 को 0 से करो 1, 1 को 1 से करो 1, 1 को 2 से करो 1, 1 को 3 से करो 1, क्योंकि 1 को तो 3 से ऑपरेट करवाओगे 1 आएगा, क्योंकि 1 पहले लिखा हुआ है, ये बच्चों वाला ऑपरेटर है। इस तरह दूसरी तीसरी रो में 2 2 2 हो जाएगा, तीसरी में 3 3 3 हो जाएगा, 3 0 3 3 1 3, सब आपके पास क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, 12 में क्या लिखा हुआ है, लेट स्टैटिक बी डिफाइन इन इंटीजर, जेड पे डिफाइन है और डिफाइन आपने क्या किया हुआ है कि एम स्टैटिक एन बराबर है एम प्लस एन प्लस टू। पार्ट ए में करने के शो दैट एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, वही स्क्रिप्ट हर जगह का है। तो जल्दी से इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो कम्यूटेटिव पे आ जाओ पहले, जल्दी से करते हैं भाई। कम्यूटेटिव क्या होता है, एम स्टेरिक एन जो है वो यहां पे बराबर है एम प्लस टू के, तो एन स्टेरिक एन क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा एम प्लस टू। मतलब इसको जरा समझो, एम किसी भी दो नंबर के दरमियान ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा कि पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला नंबर प्लस टू। तो अगर आप एन स्टेरिक एम करो तो पहला नंबर एन है, दूसरा एम है, लेकिन आपको पता है एडिशन में कोई मसला नहीं होता, एम प्लस एन लिखो या एन प्लस एन लिखो, बात एक ही है। तो यहां से प्रूव हो गया एम स्टेरिक एन जो है वो बराबर है एन स्टेरिक एम के। अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहे हो तब भी आप समझा सकते हो, कोई भी दो इंटीजर पकड़ो और उनके दरमियान प्रूफ करके दिखा लो। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर पकड़ो 1, दूसरा इंटीजर पकड़ो 3, 1 को 3 से ऑपरेट करवाओ आंसर आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 जो के बराबर होगा 7 के, सॉरी 6 के बराबर होगा 1 3 1 प्लस 3 प्लस 2, या आप 3 स्टेरिक 1 करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2, अब भी आंसर 6 आ रहा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप यहां पर निकालना एम
स्टेरिक एन स्टेरिक. फॉर एग्जाम्पल आप एम एन पी का बात है, एम एन ओ ओ आता है ना, ओ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो पहले इन दोनों में अप्लाई कर लो और साथ ही अगर प्रूफ करना चाहो साथ ही प्रूफ कर दो, कोई इशू नहीं है. एम स्टेरिक एन स्टेरिक ओ, ठीक है, ये ओ है, जीरो नहीं कंसीडर कर लेना इसको. आप यहां पे कोई भी जरूरी नहीं कि एम एन ही आप पिक करो, यहां पे आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आगे चाहो तो मेंशन कर देना, अगर आप एक्स वाई जेड करना चाह रहे हो उस तरह भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर देना कि फॉर एग्जाम्पल आप एक्स वाई जेड पिक कर रहे हो, आगे मेंशन कर देना कि जो आपने एक्स वाई जेड पिक किए हैं फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि उन्होंने शुरू में बोला था कि ये जो ऑपरेटर है ये डिफाइन है इंटीजर के ऊपर. तो आपने कोई भी इंटीजर पिक करने और उनके दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करके दिखाना है कि एसोसिएटिव है. तो आप बोल दो भाई कोई भी तीन इंटीजर मैंने पिक किए, अब उनके दरमियान मैं दिखा रहा हूं कि एसोसिएटिव है. तो पहले इधर ब्रैकेट लगा दो, फिर आप इधर लगा दो और एक साथ ही प्रूफ कर दो. अब एक्स स्टेरिक वाई का आंसर क्या होगा, दोनों को एड करो प्लस टू कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टू. ये आंसर है एक्स स्टेरिक वाई का. इसका आपने स्टेरिक लेना है जेड से. अच्छा, यहां पे वाई स्टेरिक जेड का आंसर क्या होगा, वाई प्लस जेड प्लस टू. अब जरा इन पे कंसीडर कर लो कि ये पूरी चीज एम है यहां पे, ये पूरी चीज एन है यहां पे. एम और एन के दरमियान ऑपरेटर का आंसर क्या था, एम प्लस एन प्लस टू. तो अप्लाई करो, एम यहां पे क्या है एक्स प्लस वाई प्लस टू, फिर क्या था प्लस एन, एन यहां पे क्या है जेड, फिर था प्लस टू. मतलब ये पूरी चीज हो गई एम, ये पूरी चीज एम हो गई एन प्लस टू. मतलब यहां पे एक नंबर ये है एक नंबर ये है, तो इनके दरमियान जब ये वाला ऑपरेटर लगाओगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा. इसी तरह यहां पे कंसीडर कर लो पहला नंबर एम है दूसरा नंबर पूरा एन है, तो जो अप्लाई करो ये हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, ये एम हो गया एम प्लस एन. एन अब यहां पे क्या है वाई प्लस जेड प्लस टू, और फिर क्या होता है प्लस टू, तो आपने प्लस टू लगा दिया. ये है सिंपल. तो सॉल्व करो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू प्लस टू फोर. इसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस फोर, तो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई एसोसिएटिव ये. इसको डब्बा ना बनाओ, नीचे अगर डब्बा बनाना चाहो बना लो. तो जब ये प्रूव हो गया तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो है ये क्या है एसोसिएटिव है. यहां पर स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो आप लिख देना कि एक्स स्टेरिक वाई, मतलब जो पूरी स्टेटमेंट लिखी थी ना आपने ऊपर, नीचे प्रूफ कर देना, इसको कह देना डब्बा बना देना, जो भी है कुछ भी कर लो भाई, कोई मसला नहीं है. और ये तो आपने प्रूफ कर लिया एसोसिएटिव भी है कमोटेटिव भी है. अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोला था उन्होंने कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे. तो पार्ट नंबर टू पे आओ, आइडेंटिटी. अगेन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए को ऑपरेट करवाओ ई से, तो आंसर में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए. ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है. तो अब आप क्या करो, ये ऑपरेटर ए और ई के दरमियान ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करो, आंसर क्या आएगा ए प्लस ई प्लस टू. ठीक है, ए से ए कैंसिल, ई प्लस टू जीरो हो जाएगा, ई की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी. इसका मतलब यहां पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है. आप चाहो तो आप ये दिखा भी सकते हो, आप कोई भी एक नंबर पिक करो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटीजर पिक करो, एक इंटीजर होता है माइनस थ्री, माइनस थ्री को ऑपरेट करवाओ माइनस टू से. अब माइनस टू आइडेंटिटी है तो आंसर में आपको पता है माइनस थ्री ही आएगा, माइनस थ्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करके दिखा सकते हो. तो माइनस थ्री को फॉर एग्जाम्पल ऑपरेट करवाओ माइनस टू से, आंसर क्या होगा एम प्लस एन प्लस टू. सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा आंसर में माइनस थ्री, मतलब जो नंबर है वो ऐसे ही आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये प्रूव हो जाएगा कि माइनस टू आइडेंटिटी है. और आखिरी चीज क्या थी पार्ट नंबर थ्री में, आपको बताना था कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. और इनवर्स की इक्वेशन क्या होती है कि अगर ए को ऑपरेट करवाओ उसके इनवर्स से, तो आंसर में आइडेंटिटी मतलब माइनस टू आना चाहिए. ठीक है, तो अब ए और ए इनवर्स के दरमियान जब आप कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस टू, और आइडेंटिटी आपको पता है यहां पर माइनस टू है. तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, टू को ले जाओ टू, ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस फोर हो जाएगा यहां पे. अच्छा यहां पे तो ये मौजूद है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ माइनस फोर लिख लेते हैं. अब ए इनवर्स यहां पे क्या होगा, इनवर्स होगा माइनस ए माइनस फोर. आपको पता है कि एबी इनवर्स जेड है इनवर्स अंडर अंडर स्टेरिक, हाँ
तो आपने इनवर्स की इक्वेशन देखी कि जब मैंने इसको अप्लाई किया इनवर्स का मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ए कंसीडर कर लो 2, तो उसका इनवर्स क्या होगा? -2 -4 मतलब -6। यहां पे 2 का इनवर्स क्या है? -6 है। निकाल के भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 2 का इनवर्स निकालो, आईडेंटिटी -2, फिर हो जाएगा 2 + a inverse + 2 = -2। 2 + 2 = 4, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इनवर्स क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने जनरलाइज इक्वेशन निकाल लिया, अब आपको मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आप -4 का इनवर्स निकालना चाह रहे हो, तो आप a की जगह पुट करो -4, -4 - -4 = 0, तो -4 का इनवर्स यहां पे क्या है? 0 है, क्योंकि -4 को 0 से ऑपरेट करवाओगे, देखना -2 आ रहा होगा। तो इस तरह आपने इनवर्स भी निकाल लिया। हाँ भाई, इनवर्स जो है वो भी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में लिखा है प्रूव दैट द सेट ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट आर कमोटेटिव एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन पी ऑफ एस। देखो पी ऑफ एस यहां पे क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ये आप लोगों खुद ही करना है, मैं आइडिया दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप का मैं पहले भी करवा चुका हूं शुरू में। देखो कंसिडर करो, यहां पे एस उन्होंने बताया नहीं है, पी ऑफ एस का जिक्र किया गया, तो अब कोई सेट एस का जिक्र नहीं किया आपसे, तो आप सेट लेट कर लो अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लेट कर लो यहां पे एक्स कॉमा वाई, एक सेट एस आपने लेट किया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। तो सवाल है कि पी ऑफ एस यहां पे क्या है? पी ऑफ एस बेसिकली होता है पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट में सबसेट होते हैं सारे एस के, तो एस के सबसेट आप बनाओ यहां पे। एस के सबसेट होगा सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर होगा एक्स, फिर होगा वाई, फिर होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो पी ऑफ एस ये है। अब आप रेंडम एग्जाम्पल आपने कंसिडर की एक पावर सेट बना लिया, अब आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये यू और इंटरसेक्शन ये कमोटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अगेन लाइट चली गई थी, ऐसी बनाना मुझे आपकी सवाल है। अच्छा, अब सवाल में लिखा हुआ कहता है कि शो दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कमोटेटिव एंड एसोसिएटिव इन पी ऑफ एस, मतलब ये जो सेट है ना पी ऑफ एस, इसके अंदर बोला हुआ है कि प्रूव करो कि यूनियन और जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव भी है कमोटेटिव भी है। तो कंसिडर करना फॉर यूनियन, यूनियन की बात करना, तो यूनियन बिल्कुल कमोटेटिव है, प्रूव करके दिखा देना। प्रूव करने की वजह यह है कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लो पी ऑफ एस से, आपको तो ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल आप पिक करो यहां पे एक्स, मतलब अगर आप बताना चाहो तो बता दो, जनरलाइज स्टेटमेंट दे दो कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए बराबर होंगे आपस में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस के कोई भी दो एलिमेंट आप पिक करो और उनको आपस में यूनियन उनका लो, मैटर नहीं करता आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर जो है वो आपस में बराबर होगा। जरा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पिक किया एक्स और पिक किया आपने एक्स और वाई, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट पिक किया, अब आप एक्स यूनियन एक्स कॉमा वाई करो या एक्स वाई यूनियन एक्स करो, बात एक ही है, चाहो तो दोनों बता दो नीचे। एक्स यूनियन एक्स कॉमा वाई क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होगा। इसी तरह इसका आंसर भी क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होगा। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ये कमोटेटिव है। फिर अगर आपने एसोसिएटिव प्रूफ करना है, एसोसिएटिव प्रूफ करने का तरीका क्या होगा? कोई भी तीन एलिमेंट पिक कर लेना ये वाले, तो फॉर एग्जांपल आप दिखाना कि एक्स यूनियन वाई, जो इसका आंसर आए उसका यूनियन लो एक्स कॉमा वाई से, मतलब तीन एलिमेंट पिक किए, एक एक्स पिक किया एक वाई, मतलब सेट एक्स सेट वाई सेट एक्स कॉमा वाई। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों का आंसर क्या होगा? इन दोनों का आंसर होगा एक्स कॉमा वाई, इसको ऑपरेट करवाना है एक्स कॉमा वाई से, आंसर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो जो एसोसिएटिव लॉ है, पहले लॉ मेंशन कर देना एसोसिएटिव कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर ये प्रूफ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपने प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड में क्या करना है? ऑर्डर चेंज करना है, मतलब आप इसके दरमियान ब्रैकेट लगाओ कि पहले इन दो को सॉल्व करो, अब इन दो को सॉल्व करोगे आंसर ये आएगा, ठीक है? उसको ऑपरेट करवाओगे अगर एक्स से तो अगेन आंसर एक्स कॉमा वाई होगा, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यूनियन के लिए आपने कमोटेटिव भी प्रूफ किया, एसोसिएटिव भी प्रूफ की, सेम काम आप इंटरसेक्शन के लिए भी कर लेना। फॉर एग्जांपल आप किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकालते हो यहां पे, तो इसका इंटरसेक्शन ऑर्डर मैटर नहीं करता, कमोटेटिव आप प्रूफ कर लेना। तो आप इसका इंटरसेक्शन निकालो एक्स आर है आपके पास, या आप इसका इंटरसेक्शन निकालो इन दोनों का आगे भी एक्स आर है, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो यहां पे कमोटेटिव है। इसी तरह यहां पे प्रूफ कर दो आप, इंटरसेक्शन डाल दो, इंटरसेक्शन डाल दो, ठीक है? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो y आ रहा है, और जब y का इंटरसेक्शन आप x से लोगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ की राइट हैंड साइड है, एम्प्टी सेट आ रहा है। आप अब लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव की क्या होगी? इसके दरमियान
और इसके दरमियान ब्रैकेट लगाओ। तो जब इसके और इसके दरमियान जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एमटी। और जब एमटी का इंटरसेक्शन लोगे एक्स कॉमा वाई से, तो आपको पता है एमटी का जब भी आप इंटरसेक्शन लोगे किसी भी सेट से तो एमटी आएगा, क्योंकि एमटी और दूसरे सेट में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसके रिजल्ट में एमटी आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। तो ये सवाल मैंने पूरा समझा दिया, फिर आप कर लेना यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो ना, जनरलाइज लिख दो जो भी आपकी लैंग्वेज है, प्रॉपर कोई बुकिश लैंग्वेज मैं नहीं कह रहा, बेसिक जो बात है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस सेट के अंदर, भाई किसी भी दो को पिक कर रहे हो कमोटेटिव है तो यार ये चीज फॉलो हो रही है, फिर आप एसोसिएटिव पे मेंशन करना, सेम चीज इंटरसेक्शन के अंदर भी मेंशन कर देना। तो बच्चों 5.1 काफी इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आप लोगों को करवा दिए, एक ही सवाल आता है इसके ज्यादातर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 5.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।